23 को पोलीस स्टेशन पाचपावली में अपराध क्रमांक 748/23 कलम 454-380 दाखिल था। इसमें खालसा गेट के पास जो ऑटो डील का मोइन ऑटो डील करके शॉप है वहाँ से एक क्रेटा गाड़ी आरोपी नरेश महिलांगे और उसका साथीदार इन्होंने चुराई थी। वो गाड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने लकड़गंज के हद में धरपुड़ी की थी और वहाँ से वो रामटेक होते हुए गोंदिया निकल रहे थे। सुबह 5 बजे के दरमियान जब टोल नाके से टोल कटा तो हमें तुरंत पता चला कि गाड़ी ये एरिया में गए, तो पाचपावली की PSI भार्गव तथा और एक तपास टीम उनके पीछे रवाना की गई और उनका पीछा करते हुए आगे गोंदिया LCB को अलर्ट किया गया कि ऐसे ऐसे आरोपी यहाँ से क्रेटा गाड़ी लेकर भागे हैं। तो LCB और पाचपावली पुलिस के माध्यम से वहाँ वो पकड़े गए और वहाँ पे क्रेटा गाड़ी और आरोपी सेकंड जो आरोपी है दीपक बघेल इनको पुलिस स्टेशन पाचपावली में अरेस्ट किया गया। उसको 27 तारीख से 1 तारीख तक पहला PCR था। ये PCR के दरमियान आरोपी ने बताया कि वो नरेश महिलांगे के साथ उसने गाड़ी चोरी की है। तो नरेश महिलांगे को गोंदिया देवरी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया था। उसको फिर प्रोडक्शन वारंट पे लेके पाचपावली पुलिस स्टेशन लाया गया और गुने में अरेस्ट किया गया और उसका 3 दिन का PCR लिया गया। PCR के दरमियान आरोपी ने कबूली दी है कि उसने अलग अलग जगह से 7 गुने किए हैं जिसमें 2022 में पुलिस स्टेशन पाचपावली हद के रानी दुर्गावती से जो स्विफ्ट गाड़ी चोरी की थी उसकी कबूली दी। वो गाड़ी छत्तीसगढ़ में पुलिस स्टेशन में जमा है तथा उसके बाद उसने मामा अगरबत्ती इनके यहाँ जो 7 लाख की चोरी की थी उसमें से जो उसमें उसने उसी दिन इनोवा गाड़ी खरीदी की थी जो देवरी पुलिस स्टेशन गोंदिया में जमा है। वो गाड़ी उसमें के पैसे उसने यूज़ किए थे। उसके बाद उसने सावनेर में स्विफ्ट गाड़ी चुराई और वहाँ पे कुछ घरपुड़िया की वो उसने बताया तथा नंदनवन से उसने एक मारुति रेड लाल कलर की मारुति सुजुकी कार चुराई थी। पारडी पुलिस स्टेशन से i20 कार चुराई थी। ये तथा कड़मना से एक बाइक पैशन प्रो गाड़ी चुराई थी जिसकी सभी की कबूली दी है। तपास के दरमियान उसने बताया कि एक उसका एक दोस्त है प्रफुल्ल किशोर राउत इसके पास उसने कुछ गोल्ड दिया हुआ है तो उसके जब हमने तपास में लाया तो उसने बताया उससे उसके पास से 2 तोला सोना जो है गोल्ड ये मिला हुआ है। और आरोपी को हमने वो उसने सावनेर में गाड़ी चुराई थी इसलिए सावनेर पुलिस स्टेशन के ताबे में दे दिया है आरोपी प्रफुल्ल राउत को। आज आरोपी का कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं आगे की छानबीन चाहिए।